हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे SCERT की ओर से दी गई रीडिंग कैंपेन के तहत एक्टिविटी शीट नंबर 64 क्लास 6 to 8, यानी 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों को ये एक्टिविटी शीट अपनी मैथ्स की कॉपी में करनी है। ठीक है, तो अब बच्चों आप अपनी मैथ्स की कॉपी में करोगे और ये एक्टिविटी शीट आपके लिए 1st of April 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और प्यारे बच्चों, आज से आपका न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 1st of April से सभी बच्चे जो है आप सब अगली क्लास में पहुँच चुके हो। तो अब आपको ये जो एक्टिविटी शीट है जो आपके मिशन बुनियाद और रीडिंग कैंपेन के तहत आपको दी गई है, तो इन पे फोकस करते हुए आपको अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, जो टाइम आपका कोविड में चला गया है, जहां आपको एक तरह से आप कह सकते हो कि आप स्टडी में जो लैक हो गए हो, थोड़ा सा उस चीज़ को यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है रीडिंग कैंपेन की, जिस पे आपको बहुत ही ध्यान से फोकस करना है। अपने बुक्स की जो रीडिंग है उन पे फोकस करते हुए आपको जो है आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट हमारा मैथ्स रहेगा और डेसिमल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप बच्चों ने डेसिमल के बारे में ज़रूर पढ़ा हुआ होगा, तो उसी को हम थोड़ा रिवाइज़ करने वाले हैं। सो देखिए क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया गया है। शुभम वाज फीलिंग वेरी हॉट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। शुभम जो है कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था। ही नोटिस द टेम्परेचर वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। उसने न्यूज़पेपर रीड करते हुए जो है टेम्परेचर उसको नोटिस किया। ही रोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ लास्ट 3 डेज इन हिज कॉपी। उसने लास्ट 3 डेज का जो टेम्परेचर है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन किया। 29th of March को 36.3 degree Celsius, 30th of March 37.8 degree Celsius एंड 31st of March 38.1 degree Celsius। तो ये जो है नोट डाउन किया उसने टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए 36.3 इज़ अ डेसिमल नंबर। ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। लेट्स अंडरस्टैंड द डेसिमल नंबर। तो हम डेसिमल नंबर को समझेंगे। इसमें जो 36 है इसको हम होल पार्ट कहते हैं, और ये क्या है? ये डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट। और 3 क्या है? ये 3 जो है वो डेसिमल पार्ट रहेगा। ठीक है, तो 36.3 यानी 36 होल नंबर है जो है, ये क्या है? डेसिमल है और ये डेसिमल पार्ट है। नाउ रीडिंग अ डेसिमल नंबर, तो हम इस डेसिमल नंबर को कैसे रीड करते हैं उसको हमें देखना है। तो देखिए डेसिमल नंबर को हम रीड करेंगे, तो यहाँ पे 24 हमारा होल नंबर है, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, डेसिमल 37, 24 डेसिमल 37। ठीक है, 37 इसको हम रीड नहीं करेंगे, 37 रीड करते हैं। डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं उसको हम 37 या इस तरह से रीड करते हैं, जैसे 124 डेसिमल, ऐसे हो जाएगा 124.568, ऐसे पढ़ते हैं हम इसको। 568 नहीं पढ़ेंगे हम इसको, पढ़ेंगे 568। नाउ अब आपको नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, राइट द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर दिए गए हैं जिसमें आपको होल पार्ट और डेसिमल पार्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, अब देखिए डेसिमल नंबर है यहाँ पे 102.45, तो यहाँ पे होल पार्ट क्या है? होल पार्ट यहाँ पे 102 है, 102, और डेसिमल पार्ट यहाँ पे 45 रहेगा। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। यहाँ पे होल पार्ट है 98 और डेसिमल पार्ट यहाँ पे रहेगा 03, यहाँ पे होल पार्ट है 50 और डेसिमल पार्ट रहेगा 17। तो ये जो है आपको बच्चों अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, जो हमने अभी सीखा उसके बाद वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हो। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम डेसिमल नंबर्स की किस तरह से लिखते हैं, देखिए 125.46 दिया गया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका प्लेस वैल्यू देखें तो ये वाली जो प्लेस वैल्यू है ये इस वाली, अगर हम डेसिमल से नंबर से शुरू करें तो ये वाली जो है किसकी होगी? वंस की। 2 जो है टेंस की, और ये जो है किसकी है? ये जो है 100 की होगी। डेसिमल नंबर के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट होता है ये 10th होता है, TENTH हम पीछे लगाते हैं, और ये जो होगा ये होगा 100। 100 के पीछे हम क्या लगा देंगे? TH लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं।
तो देखिए 125 है अब यहाँ पे, तो देखिए 1 जो है वो 100 पे है, तो 1 × 100 करेंगे, प्लस में करेंगे, उसके बाद 2 है, 2 × क्या हो जाएगा, ये 10th प्लेस पे है तो 10 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद 5 × 1, उसके बाद फिर से प्लस आ जाएगा 4 × और ये क्या है 10th पे है तो 1/10, और प्लस 600 पे है तो 6 × 1/100, ये जो है इसकी क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर जो है उसकी प्लेस वैल्यू में बतानी है, सो फॉर होल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर वी यूज वंस, टेंस, हंड्रेड एटसेट्रा, एंड फॉर डेसिमल पार्ट टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड थिट यूज। सो इसमें हम देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5 किस पे है, 5 वंस पे होगा, 2 जो है वो 2 टेंस पे है, 100 पे है, ये 4 जो है वो टेंथ पे रहेगा, TH आप देख रहे हो पीछे, 6 जो है वो 600th पे रहेगा, 100 लिख के और पीछे TH लगा देना है। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो, यू कैन गेट 10% ऑफ बाय रेफरल कोड OKE001। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सो जस्ट डाउनलोड फिलो नाउ। उसके बाद अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है, सो अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है रीड आउट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, तो आपको जो डेसिमल नंबर दिए गए हैं इनको रीड आउट करना है, पढ़ना है। तो देखिए ये दिया गया है 67, इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 67.02, ये हो जाएगा 67.02। उसके बाद नेक्स्ट जो है 15.56, उसके बाद है 125.476, इसको हम इस तरह से रीड करते हैं 125.476। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से होगा, अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, तो 5 × क्या रहेगा, 5 × यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है, उसके बाद 2 × क्या रहेगा, 2 × 10 रहेगा, उसके बाद प्लस में 6 × क्या रहेगा, 1/10 रहेगा, 3 × 1/100 एंड 1 × 1/1000 रहेगा, क्लियर है, ये जो है 1/1000 रहेगा, तो ये रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 × 125.476, सो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू जो है आपको बतानी है, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 × 125.476, तो यहाँ पे 7 जो है हमारा किस पोजीशन पे है, 100th पोजीशन पे है, तो 7 की प्लेस वैल्यू रहेगी 7 × 1/100, ये आपको लिखना है, या 7/100 भी आप लिख सकते हो, तो कोई भी आप इसमें लिख सकते हो, तो 7 × 1/100 जो है यहाँ पे प्लेस वैल्यू रहेगी 7 की। उसके बाद यहाँ से आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, तो जो डेसिमल नंबर दिए गए हैं ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है हर एक डिजिट में, ठीक है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है, तो आइए इसको हम 1/1 सॉल्व करेंगे। 3 सम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सो फर्स्ट जो दिया गया है 61.8, तो ये देखिए 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 टेंथ हो जाएगा, 1 जो है 1 वंस हो जाएगा, 6 टेंथ हो जाएगा, अब तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो, 6 टेंथ, 1 वंस, 8 टेंथ। उसके बाद सेकंड दिया गया है 96.17, तो 96.17 का क्या रहेगा, 700th हो जाएगा, 1 टेंथ हो जाएगा, 6 वंस रहेगा एंड 9 टेंथ रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, 700th, 1/10th, 6 वंस एंड 9 टेंथ रहेगा। उसके बाद थर्ड देखिए 28.142, तो
तो 28.142 में अगर हम देखें तो 1 जो है 1/10 रहेगा, 4 100th रहेगा, 2 जो है 1000th रहेगा, 8 जो है वो 1s रहेगा एंड 2 जो है वो 10s रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में ये वैल्यूज़ जो हैं वो लिख देनी है इस तरह से। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।